Hey, what's up guys? कैसे आप सभी लोग? वापस एक बार आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज फिर से एक बार खेल रहा हूँ माइनक्राफ्ट हार्डकोर। भाई आज मेरे पीछे मेरे कुत्ते नहीं है, आज कुछ अलग ही जगह पर हूँ। थोड़ी देर पहले भाई यहाँ पर फिशिंग कर रहा था ना, तो भाई यहाँ पर अच्छे खासे फिश वगैरह मिलते हैं, तो इसी वजह से मैं यहाँ पर फिशिंग कर रहा था। वैसे इस बात की कोई लॉजिक क्या क्या भाई, चलो यार उसमें कोई बात नहीं। तो भाई मैं जब फर्स्ट फिशिंग कर रहा था तो भाई मेरे को मिला एक सैडल और मैं बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। और भाई मैं इस उम्मीद में था कि भाई मेरे को नेम टैग वगैरह मिलने वाला है। बेसिकली मैं नेम टैग के लिए यहाँ पर फिशिंग वगैरह कर रहा था और मेरे पास आ गया लक ऑफ द सी वन। भाई जी हाँ, इसका नाम है लक ऑफ द सी वन, तो इसी वजह से इसका लक एक ही बार में खिला और उसमें से मुझे मिला सैडल। तो भाई दो नेम टैग और चाहिए थे मेरे को लेकिन नहीं मिले। चलो यार क्या कर सकते हैं, तो बहुत ज्यादा बातें कर लिया, अब ज्यादा बातें नहीं करते और फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओ भाई सब रात होने को आई है भाई, चलो सो लेते हैं। मॉर्निंग गाइस, और एक नया सुबह माइनक्राफ्ट में। तो भाई थोड़ी देर पहले मेरा ये एक्सपी वगैरह में बढ़ा रहा था ताकि मैं इसमें डाल सकूं, क्या कहते हैं भाई, पिकैक्स में डाल सकूं। और बाकी भाई चलते हैं अपने मेन बेस पे क्योंकि आज थोड़े बहुत काम है वहां पर। देखो ये सिल्टज वाला है ना, तो इससे थोड़े बहुत काम तो है यहाँ पर भी। और काम क्या है कि कुछ स्टोन वगैरह चाहिए ताकि मैं इससे जो है स्टोन ब्रिक, ठीक है, तो भाई वही चीज़ मुझे चाहिए क्योंकि वो अच्छे होते हैं डिज़ाइन में, एकदम सिंपल से होता है और बढ़िया लगता है भाई दिखने में। तो इसी वजह से यहाँ से थोड़ा बहुत स्टोन कलेक्ट कर लेते हैं और बाकी भाई चलते हैं और देखते हैं भाई किस जगह पर मैं बना सकता हूँ। और ये एक दो बच रहे, चलो भाई चलो। तो आ गया मैं मेरे बेस पे और भाई मुझे फिशिंग से मिले हैं कुछ चीज, जैसे कि मुझे मिला है एक बढ़िया सा ये वाला बुक जिसमें है फॉर्च्यून 3 और शार्पनेस 4। तो इसमें दो तीन भाई दो काम कर सकते हैं। पहले बात तो भाई यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, देखो ये अनब्रेकिंग है, एफिशिएंसी है, मेंडिंग है, तो इसमें फॉर्च्यून 3 वगैरह लगा सकते हैं। यहाँ पर शार्पनेस लगा सकता हूँ मैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि भाई मैं अगर ट्रेडिंग हॉल बनाऊँ तो वहां पर से तो भाई ये सब चीज भाई इजिली ले ही सकता हूँ ना, तो इसी वजह से फिलहाल के लिए इस वाले बुक को रख देते हैं साइड में, बाद में सोचेंगे भाई किस में लगाए और किस में नहीं लगाए, ठीक है। बहुत सारे विलेजर चाहिए, एक लेन में ही मुझे 6 विलेजर चाहिए, मैं गलत हिसाब कर रहा था, 8 नहीं भाई 6, एक ही लेन में 6 विलेजर चाहिए। 6 होता है 12 होता है कितना भाई 24, कुल मिलाकर मुझे 24 विलेजर चाहिए और 24 विलेजर उतने में ही अच्छा होगा अगर मैं 24 विलेजर ब्रीडिंग करके बना, ठीक है, एक ब्रीडिंग हॉल से बढ़िया वही होगा क्योंकि ब्रीडिंग हॉल में बहुत सारे ब्रीड होते हैं। बहुत ज्यादा बातें कर रहा हूँ, मेन काम कर लिया। तो मुझे ये सब मतलब कि स्टोन वगैरह चाहिए, इसीलिए चाहिए था मुझे वहां पर एक दो स्ट्रक्चर वगैरह बनाना है। तो सबसे पहले काम करते हैं स्टोन वगैरह कन्वर्ट कर लेते हैं स्टोन ब्रिक में। और अब मुझे जो चाहिए सोल सैंड, 4 सोल सैंड पहले से ही लाते हैं तो सबसे ज्यादा वही बेहतर रहेगा कि पहले से ही लेकर आते हैं ना। तो मेरा रास्ता किधर से था, अब तो भाई एकदम मक्खन तरीके से चलता हूँ। देखो भाई इसको कैसे भाई खुद भी चटकाता हूँ इसका, आजा लौंडा है या लौंडिया है पता नहीं, लौंडे लौंडी सभी को एकदम जम से जम 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 के धुलाई करेंगे। इतना ज्यादा शॉट मैंने मिस कर दिया है, चलो कोई बात नहीं। वो भाई साहब अभी गिरने वाला था मैं, वैसे थोड़ा सा भी इधर से उधर अगर हो जाता तो भाई मैं गिरने वाला था अभी। और आज मैं बहुत ज्यादा हकला रहा हूँ, तोतला रहा हूँ। आ गया ना भाई नीचे ही है वैसे सोल सैंड वगैरह, यहाँ पर सोल सैंड बहुत ही ज्यादा कम है। चलो यार यहाँ पर सिर्फ छोटा सा 2 ब्लॉक का मैंने ब्रिज बना लिया है। वैसे ये यहाँ से अगर लावा वगैरह लू ना तो इसको सिक्योर करना चाहिए मुझे। और मैं ठहरा भाई बहुत ज्यादा आलसी। ये देखो चिमकांडी बंदा आ जा तू तेरे को मैं अबे ऐसा क्या ऐसा, ओ भाई बहुत ज्यादा कम कर दिया है। वैसे ये वाला मैंने नहीं देखा था या फिर यही से मैंने वो सब लिया था। चलो कोई बात नहीं यार, सावधान रहे शक्ति रहे, आहिस्ता आहिस्ता चलते रहो चलते रहो, चलते रहो चलते रहो। ये कौन सा है भाई, यूज कर लेते कोई बात नहीं, ऐसे तो भाई बहुत सारे आ जाएंगे। देखो भाई मुझे मत मारो तुम लोग, इनका क्या है भाई थोड़ा सा धक्का भी लग जाता है ना तो ये लोग गुंडागर्दी भी उतर आते हैं। आ बेटे धक्का कैसे दिया तूने, आजा फाइट कर लेते हैं। कुछ भी कहो इन लोगों से फाइट तो इन लोग को करना ही होता है, सबकी इतना ज्यादा झगड़ालू लोग है ना भाई ये पेगलिन। अरे बस कर भाई, चलो सही है आ गए ना, मस्त है। ओह
मैं पहुंच गया भाई, दिन में पहुंचा था और रात में यहाँ पर। वैसे मुझे मेरा हॉर्स भी चेक करना है, तो भाई हॉर्स भी चेक कर लेंगे। और भाई आज के वीडियो में मुझे चाहिए बहुत सारा ब्रेड और बहुत सारा वूल, ठीक है ना। तो भाई वूल तो है, बहुत सारे है, एक दो नहीं भाई, बहुत सारे वूल है। और यार एक चीज़ नहीं है मेरे पास, वो है वुड। चलो यार वुड वगैरह भी लाते हैं, ये सब कन्वर्ट कर लेते हैं। जितना भी बेड हो मेरे से भाई बना लेते हैं, बढ़िया है, दिन हो गया है। और ये सब भाई हटा देते हैं पहले। भाई शील्ड नहीं, शील्ड रख देते हैं। वैसे शील्ड मैं यूज़ नहीं करता, लेकिन फिर भी भाई हटाना तो चाहिए है ना भाई। तो ये भी ज़रूरी नहीं है, ये इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी नहीं है। और ये कौन सा अनब्रेकिंग वाला तो बेकार है, ये सब रख देते हैं। और ये भी अनब्रेकिंग है भाई, अब यार ये तो फालतू है बिल्कुल ही। और ये सब रख देते हैं, ये नहीं रखते, ये फालतू नहीं है, बहुत काम की चीज़ है। चलो हॉर्स वगैरह ट्राई करके देखते हैं कौन सा हॉर्स सबसे ज्यादा पावरफुल है। और उसके लिए तो एक फेंस वगैरह कुछ चाहिए होता है ना। तो सबसे पहले ये सब लकड़ियाँ छील लेते हैं। और फिर क्या चाहिए, कितना सारा, अच्छा स्टिक चाहिए, उतना ज्यादा भी नहीं चाहिए। तो इतने से स्टिक में कितने सारे आ जाएंगे, 33 भाई, बहुत ज्यादा है ये। कोई बात नहीं भाई, बहुत सारा है, मैंने सोचा कि भाई थोड़ा सा ही होगा। ये तो अच्छा होगा कि बहुत सारा यहाँ पर। अच्छा ये कौन से वाले हैं, मौसी वाले नहीं भाई, ये मॉस वाले नहीं है। मॉस वाले होते तो भाई मतलब ये इजीली टूट जाते हैं। और ये कुछ ज्यादा ही बड़ा नहीं बना रहा हूँ मैं, साइज में बहुत ही ज्यादा बड़ा है भाई। चलो यार क्या कर सकते हैं, और भी तो अपने ही है ना। और मतलब कि बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद ये सब हॉर्स मिला है, तो ख्याल रखना तो बनता ही है। धीरे धीरे नैनो को धीरे धीरे बाओ रे साईंगो, कहाँ से लगाओ, यहाँ से लगा देता हूँ, एकदम सामने हो जाएगा। देखते हैं भाई कौन सा ज्यादा बेस्ट है। आई थिंक ये वाला हो सकता है, लेकिन मेरे को तो भाई इंटरेस्ट है इस वाले में। सॉरी मेरे गोरों, सॉरी भाई तुम लोग को, इतना ज्यादा मैंने वेट करवा दिया है और लीड से बांध के रखा है, तो भाई उसलिए। ओ भाई फास्ट तो वैसे है भाई ये वाला, देखो कितना ज्यादा जंप वगैरह कर सकता है, देख लेते हैं ना। वैसे जंप भाई उतना ज्यादा खास नहीं है, बेसिक सा है चलने जैसे कि भाई। हाँ भाई चलेगा, तेरा हाल क्या है। हाँ भाई ये भी सही है। अच्छा इसका जंप टेस्ट भी करते हैं ना, मैक्स मैक्स उठाते हैं। अभी यार मैक्स उठता ही नहीं है, चलो यार मैक्स भी उठाए, ये भी बुरा नहीं है, अच्छा है भाई। कहूंगा कि ये बुरा है नहीं भाई, बुरा नहीं है, बहुत सही है ये वाला। अब मेरे पास हॉर्स भी आ गए, तो भाई तुम्हारे भाई को तो फ्लैश बनने से कोई भी नहीं रोक सकता भाई। ऐसे ज़ूम ज़ूम करके चला जाऊंगा मैं कहीं पर भी। सबसे पहले ज़ॉम्बी का प्लेटफॉर्म वगैरह बनाते हैं, और धीरे 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 वो वाले भी बना देंगे, विलेजर्स का भी बना देंगे। आजकल बहुत ज्यादा गा रहा हूँ, पता नहीं यूट्यूब वाले कब मेरे चैनल को उड़ा दे। ओ भाई किसने इसको मारा बे, चलो जिसने भी मारा भाई अच्छा ही काम किया है, बेकार सा बंदा है, नहीं आ जाता है कहीं ना कहीं भाई। कितना सारा ब्लॉग है, आई थिंक ये एकदम मिडल में होना चाहिए, तो मिडल में है। चलो यार गिन लेते हैं, सबसे पहले 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ये 10 वाला है ना, तो इसमें से क्या होगा, सीधा करके एक हिसाब करना होगा, 4 वाला, ठीक है। 10 वाले में खड़ा हुआ हूँ मैं, तो 1 और ये 2, चलो एक बार फिर से हिसाब करते हैं, तो 1 2 3 और ये 4। अब क्या है, अब कितना ब्लॉक तक ऊंचा होना चाहिए था, 4, 1 और ये 2 3 और ये 4, और 1 होगा ये वाला वही सोल सैंड, तो ये लगा दिया सोल सैंड। और इसको तोड़ लेते हैं, और ये मैंने तोड़ दिया इस चीज़ को, तो यहाँ से 4 ब्लॉक तक का ऊपर करना है, 1 2 3 और ये 4 है ना। और इसका शायद एकदम, हाँ एकदम मतलब कि सटक के होना चाहिए बड़ू, समझा क्या। 1 2 3 और ये 4 5 6, ये 6 तक का होना चाहिए था शायद, ठीक है। तो ये वाला लग गया है, अब मुझे यहाँ पर एक, यहाँ एक, यहाँ
ऐसे करके मुझे एक प्लेटफॉर्म बनाना है और सेम करके वहाँ भी, मतलब कि सेम ऑपोजिट साइड पे बनाना है मुझे एक प्लेटफॉर्म। और तो चलो यार ये तोड़ लेते हैं सबसे पहले, ये टूट गया भाई, ये सब कलेक्ट कर लो क्योंकि नहीं किया तो भाई फिर से एक बार तोड़ना होगा मुझे ये सब पत्थर वगैरह। एक दो तीन और ये चार, चार है ना, एक दो तीन चार पाँच और ये सिक्स। तो सिक्स में क्या होगा पता है ना भाई, एक दो और ये तीन हो गया। और ये सिक्स का एक प्लेटफॉर्म बनाना होगा बेसिकली ये। चलो सही है ना, और ये चीज़ हम लोगों को मतलब कि कॉपी करना है, हर एक जगह पर बनाना है ठीक है। जितने भी प्लेटफॉर्म है, मतलब कि चार चार प्लेटफॉर्म है तो सभी जगह पर सेम चीज़ बनाना है। तो भाई फटाफट से बना लेते हैं और मिलते हैं बस दो मिनट में। अबे भाई मैं थोड़ा सा भाई बेवकूफ़ हूँ क्या, मेरे पास खुद का घोड़ा है तो भाई मुझे घोड़ा लेकर आना चाहिए था, मैं ऐसे ही आ गया। वैसे मैंने कल नहीं भाई, दो तीन दिन पहले एक भाई हॉर्स देखा था ठीक है। तब हमारे यहाँ पर रेस होते हैं, हॉर्स वाला रेस होते हैं मेरे विलेज में, तो वहाँ पर मैं एक हॉर्स देखा था भाई, बहुत तगड़ा है भाई, इतना ज़्यादा लंबा है ना क्या ही बताऊँ। और हॉर्स के भाई देखो मैं एकदम देख के भाई चौंधिया भी गया और भाई हंस भी गया क्योंकि भाई हॉर्स का जो राइडर है ना भाई वो टकलू एक अंकल था और वो भाई साइज में छोटा था। देखो भाई वैसे मैं मजाक नहीं उड़ा रहा बट हाँ भाई वो देख के मुझे बहुत ज्यादा फनी लगा। अंकल भाई वो तो थोड़ा सा बटला था और टकलू भी था, तो इसी को कहते हैं कि भाई लंगूर के हाथ में अंगूर। जली ना तेरी भी जली ना ओए जमुरा, और मेरे साथ तुम लोगों को चलना है, और कौन चलोगे मेरे साथ, और यहाँ कह दो नहीं तो बहुत मारूंगा। ये दोनों सामने है, इन दोनों को ही उठा के ले चलते हैं और मेरे लिए एक जगह दिखा दो तुम लोग कि कहाँ पर मैं मेरा हॉर्स रख सकता हूँ। ये बंदा अगर ब्लास्ट हो जाए ना तो भाई मेरे को बहुत दुख होगा। कितने हुआ भाई एक्सट्रैक्ट, चलो यार कम्प्लीट हो गया है, अब मैं चलता हूँ भाई, राहत की सांस ले सकता हूँ। वैसे ये राहत कौन है, अंकल ना जाएगा मेरे बच्चे, आ जाओ मेरे सामने। कोई नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे धर के पकड़ के लेके चला जाऊंगा। और भाई पानी वाले रास्ते से ज्यादा बढ़िया और कुछ भी नहीं है। वैसे मुझे एक वर्क बेंच साथ में लेकर चलना चाहिए था। चल 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 ऊपर चल ऊपर चल, अच्छे अच्छे बच्चे ऐसे नहीं करते नक्कू रे, ए बाबा ए चल ना ऊपर चल, काय समस्या काय तेरे को। अबे यार ऊपर क्यों नहीं चलता यार, क्या मस्त आइडिया है भाई दिमाग में, भाई ये पहले क्यों नहीं आया था मुझे। देखो भाई अब इसको कैसे भाई कैसे हैंडल करता हूँ मैं इसको। चल यार मैं सब सोच रहा था भाई कैसे लूर करूँ इसको, कैसे भी करके मेरे को लूर करना है। अब मेरे को भाई समझ में आ गया भाई इसको कैसे लूर कर सक, मार खाएगा कि भाई मेरे से तू भाई इतने मुश्किल से तो भाई तेरे को लूर करके यहाँ पर लेके आओ। अच्छा कैसा साउंड किया ना भाई ये, थोड़ा सा अजीब सा। भाई आज है तीसरा दिन और भाई उस दिन बारिश के वजह से मैं वीडियो वगैरह पूरी तरीके से रिकॉर्ड नहीं कर पाया, और आज मैं कोशिश करूंगा कि जो जो मेरे को करना था वो सभी चीज़ कंप्लीट करूं और एक चीज़ बनाऊं और वो है एक ब्रीडिंग हॉल ठीक है। कैसे भी करके वैसे बनाना ही है मुझे। और ये तीन दिनों में मैं, अबे यार सामने क्यों आ रहा है भाई ये बेकार सा बंदा। हाँ तो जो कह रहा था मैं, तो इन तीन दिनों में मैंने भाई सर्वर के अंदर घुसा ही नहीं यार, कुछ कुछ चीज़ें करने थे मेरे को वो मैंने किया ही नहीं। मैंने सोचा कि भाई आप लोग कहीं मिस ना कर दो है ना भाई, तो वही चीज़ भाई ये क्या कर रहा है। हाँ भाई ये जगह एकदम परफेक्ट है, आजा 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 बहुत सही आजा, तो इसको यहीं पर रखने देंगे। और भाई क्या, और भाई रिस्क है बहुत ज़्यादा आ जाती है। चलो कोई बात नहीं भाई, एक और विलेजर चाहिए, उसको ला के भाई इसका ब्रीड करवाना शुरू कर देते हैं। अरे बच गया भाई, ये देखो भाई कितना ज्यादा ये बंदे ने, अबे यार मैं भूल गया था यहाँ पर क्रीपर होते हैं। भाई बच गया यार, भाई बाल बाल बचा सच्ची में, थैंक यू भाई ये आर्मर के वजह से मैं बचा।
आर्मर नहीं होता ना भाई, तो मैं पूरा फटने वाला था भाई। देखो भाई ये कितना है भाई, मतलब एकदम सिंपल आर्मर है लेकिन बचा दिया ना मेरे को भाई। देखो यहाँ पर दिन के टाइम है और कोई वो भी नहीं है, क्या कहते हैं भाई उसे, मतलब कि जॉम्बी वगैरह भी नहीं है, तो कहाँ चला जाएगा बंदा। यही वो भाई, यही कहीं गेड़िया मार रहा है। तो 1 2 3 4 ये 5 लेवल का कर देते हैं, आई थिंक ये सही रहेगा। और भाई इस लाइन में है ना, चलो यहाँ पर 1 2 3 4 4 5 5 लेवल का हो गया है। और ये यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, और देखते हैं भाई वो बेकार बंदा किधर है। जब तक वो मिलता है तब तक भाई वीडियो को स्किप कर देते हैं और ये भी बना लेते हैं। चलो यार ये तो बन गया है, लेकिन मुझे मेरा विलेजर भाई अभी भी नहीं मिला। कोई बात नहीं भाई, ये लगा देते हैं सबसे पहले। यहाँ एक और यहाँ एक। 1 minute later था भाई, तू मर जा यार, और क्या कर सकते। क्या ही बताओ यार, कुछ बोलने को है ही नहीं भाई। तब मैं जगा हुआ था ठीक है, और भाई पता नहीं कब ज़ॉम्बी आ गए भाई। दिन में कैसे ज़ॉम्बी आ सकते हैं, या फिर ये लोग भाई माइनक्राफ्ट वाले सस्ता नशा फूक रहे हैं, या फिर मैं फूक रहा। नहीं भाई मैं तो नहीं फूकता भाई, यही लोग फूक रहे हैं। चलो यार फिर से विलेज चलते हैं और भाई लेकर आते हैं। मैंने भाई गलती कर दिया, मेरे को पहले से एक बनाना चाहिए था, एक घर वगैरह। चलो यार फटाफट से चलते हैं विलेज और भाई एक और लेकर आते हैं। ओके तो गाइस मैंने लाकर खड़ा कर दिया है 2 विलेजर। जी हाँ भाई वो खड़े ही है, अभी तक सोए नहीं क्योंकि अभी भी दिन है ठीक है ना। और भाई मैं दूसरा वाला जो विलेजर लेके आया वो मेरे 4 लेवल का है, तो भाई वहाँ पर एक भी फार्मर विलेजर नहीं है ठीक है 4 लेवल का। तो ये करीब करीब मैक्स लेवल का ही है क्योंकि उन लोगों से मैंने बहुत ज्यादा ट्रेड किया है, पकड़ लो भाई मैक्स लेवल का ठीक है। अजीब लग रहा है भाई, मेरे को नया एक विलेजर लेके आना चाहिए था, लेकिन भाई नहीं भाई मैंने इसको लेकर आया क्योंकि ये सामने था ना। और एक भी ये इसको क्या कहते हैं भाई, ये देखते हैं भाई कंपोस्टर, तो कंपोस्टर एक भी नहीं था, तो भाई यही बंदा लूर के आया ठीक है। मतलब वहाँ पर प्लेस नहीं था एक भी कंपोस्टर, तो इस वजह से यही बंदा लूर हो के आया भाई। क्या ही कर सकते है, देखते हैं भाई इसको ब्रीड करते, इसको नहीं मारेंगे ना, इसको कहीं इसको ब्रीडिंग हॉल पे लेकर जाएंगे ठीक है। इसको लेकर जाएंगे और एक विलेजर को लेकर जाएंगे, ब्रीडिंग हॉल बहुत ज़्यादा दूर बनाएंगे ताकि भाई ये आयरन फार्म में कोई भी प्रॉब्लम ना हो ठीक है। इससे पहले भी मैंने बहुत ज़्यादा फेस किया ये सब। मैं क्या करता हूँ ज़्यादातर भाई आयरन फार्म के करीब बनाता हूँ और भाई ये सब प्रॉब्लम होता है। देखो भाई यहाँ पर देख सकते हो, अबे यार तेरे लेवल तो दिखा दे। देखो भाई ये डायमंड का है ना, और अंदर और एक है। चलो यार ऊपर चलते हैं। अब एक काम करना है, देखो मेरे पास बहुत सारे स्टेयर थे ना, मतलब कि पिछले बार के वो जो मैंने लिफ्ट टाइप बनाया उसमें भाई बहुत सारा स्टेयर आ गया मेरे पास। देखो यहाँ पर बहुत सारे पम्पकिन आ गया, इसको तोड़ना है मुझे। चलो यार ये रख देते हैं और ये रख देते हैं ना, ये सब रख देते हैं क्योंकि इनका काम ये इसका काम है भाई, वो बेकार का काम नहीं करते, ये रख देते। अच्छा इसका भी कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि मैं 2 कैरी कर रहा हूँ ना, 2 डायमंड का पिकैक्स, तो इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। ये बेकार में घेर रहा है अपने आप को। हाँ भाई देखो भाई ये शिकायत कर रहा है इसका दोस्त किधर है, ये फीमेल है या फिर मेल है, इन लोग को भाई समझ में नहीं आता, लेकिन हाँ ये अकेला महसूस कर रहा है। देख भाई बहुत ही जल्दी लेकर आऊंगा ठीक है। नहीं छोटा ये लगा बस, अबे यार गलत लगा दिया। एक्स मेरे पास है लेकिन भाई ये मेरे को यूज नहीं करना है। देखा भाई क्या ही बुद्धिमान लगता हूँ मैं। चल तो इनका भाई बेड वगैरह प्लेस कर देते हैं। क्या कि जितना ज्यादा बेड उतना ज्यादा स्पॉन, सही है ना। लोग खाने की टेंशन करते हैं, ये लोग सोने की टेंशन करते हैं भाई। वो वाला सोना नहीं भाई, मतलब कि निन्नी निन्नी ठीक है ना। अबे यार खाना तो कहीं से भी आ जाएगा लेकिन निन्नी किधर करेंगे, शेमरा कहेगा। और इनके लिए भाई यही से खाना फेंक देंगे है ना। चलो यार थोड़े बहुत खाना भी लेकर चलते हैं। तो देखते हैं भाई कितने सारे विलेजर्स हुए। देखो भाई मैंने 31 ब्रेड दे दिया है इन लोगों को, और देखते हैं भाई अब कितना सारा हो गया है भाई। उम्मीद तो करूंगा बहुत सारे हो गए, क्या पता भाई कितने सारे हो गए।
भाई ये जो है ना ये एकदम कम समय होता है तो इतने में बहुत सारे होना चाहिए। चलो देखते हैं भाई। अरे यार एक ही हुआ बस, फायदा क्या हुआ भाई इसमें। चलो यार कोई बात नहीं। ओके तो मेरा सभी चीज एकदम तैयार हो चुका है, बस विलेजर्स का मेरे को पता नहीं है क्योंकि मैं यहाँ नहीं था। और कुछ चीज मैं लेने के लिए चला गया था, मेरे को चाहिए था ग्लास वगैरह, तो भाई वो चीज मैं माइंड करने के लिए, मतलब कि वो स्मेल्ट करने के लिए गया था। ठीक है तो एक दो आप लोगों को दिखा देता हूँ, बाकी आप लोग भाई तो समझदार हो, कॉपी पेस्ट कर सकते हो तो जी हाँ भाई वो ही कर लेना। और मैं सोच रहा हूँ कि भाई इस फार्म के ऊपर एक डिटेल में वीडियो बना लूँ। चलो यार देखते हैं भाई नेक्स्ट वाला प्रोसेसिंग क्या है। ये कुछ ऐसा है, बस इसका देख लो सिंपल है। ठीक है ये इसको क्या कहते हैं भाई, सोल सेंट के ऊपर एक ब्लॉक लगाना है और उस ब्लॉक के ऊपर एक ब्लॉक लगाना है। ठीक है तो ब्लॉक लगाने के बाद तो फिर एक स्लैब और फिर से ब्लॉक और फिर से स्लैब, ठीक है ऐसे करके लगाना है। और इसका देखो भाई बेड मैंने कैसे लगा दिया है, अब जो है ना इस पहले भाई कुछ रॉन्ग लगा दिया था, अब जो है ना अब सही है। अरे यार ठीक से दिखा भी नहीं पाया, अब देख लो। ठीक है तो बेड का कुछ ऐसा होना चाहिए, और जी हाँ भाई तो उस तरफ का भी बेड लगा के आते हैं और फिर आप लोगों को नेक्स्ट वाला प्रोसेसिंग दिखाते हैं भाई कैसे बनाते हैं। और इसको क्या करना है आप लोगों को, ऐसे करके लगा देना है ना, और ये ब्लॉक तक। और ये वाला जो ब्लॉक है ना भाई ये खाली रहेगा, ठीक है ना। और इसका क्या करना है, ऐसे करके लगाना है, ठीक है ना, ये ऐसे ऐसे, और बीच का खाली रख देते हैं क्योंकि यहां से हम लोगों को विलेजर्स को लाएंगे। ठीक है भाई हिट मत लगियो, हिट मत लगियो, अबे यार टूट जा भाई बेकार सा। ये देखो भाई इन लोग का, भाई देखो भाई ये क्या कर रहे हैं बेकार बंदे। अब समझा भाई क्या करना होगा, मैं अंदर चलता हूँ भाई, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। तुम लोग उठो, सब उठो भाई, दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं भाई। अब जो है ना ये लोग ऊपर चल जाएंगे भाई, तुम्हारा शाबाश शाबाश बच्चे तू बुद्धिमान है, चॉकलेट दूंगा तेरे को। चल 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 फटाफट भाई, बच्चा भाई बहुत ज्यादा शातिर है, चालू है भाई चालू है, क्या बता रहा हूँ क्या ही बोल रहा हूँ यार। चल 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 ऊपर, अबे यार ठस्सा कहीं क्या, अबे चल सामने चल, जूते से मारूंगा साले, चप्पल से मारूंगा तेरे को। चल जो ऊपर चला गया है भाई, ये बंदे जो है ना हद से ज्यादा बेकार है भाई। अबे चल ले, क्यों ऐसा कर रहा है, दिमाग क्यों खराब कर रहा है। ये देखो भाई बच्चा, अबे यार ये बच्चे की वजह से मैं नीचे गिर गया भाई। ऊपर चल भैये मेरे, भैये छोटे भैये मेरे, अबे अबे यार ये छोटे बच्चे जो है ना भाई बेकार होते हैं। अबे यार चला जा साले हरामखोर कुत्ते के बच्चे, अंदर चला जा सुअर का बच्चा, गई का चला गया ना भाई, या फिर चलो यार ये सुअर का बच्चा तो अंदर चला गया। चल 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 फटाफट फटाफट, भैया छोटे बच्चे ऊपर खड़े रहते हैं ना भाई, यही पसंद नहीं है मुझे। ओके गाइस मैंने फाइनली इन लोग का सेट कर दिया है, ठीक है जितना जो करना था वो कर ही दिया है भाई, बाकी ऑफलाइन करने के अलावा मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है क्योंकि भाई एक एक में भाई तीन तीन करके डालना होता है, तो इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा फास्ट होने वाला है। ठीक है तो बाकी भाई जितने सारे काम है वो भाई बेसिक से काम है वो तो भाई कर ही लूँगा,
कोई बात नहीं, उसका भाई बहुत ज्यादा लेंदी वाले प्रोसेसिंग है, तो इसी वजह से ये वीडियो में मैं नहीं दिखा रहा, ठीक है। और भाई आज के लिए बस इतना ही, और ये वाला वीडियो आप लोगों को कैसा लगा भाई कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो अच्छा लगे तो भाई वीडियो को लाइक करना, और भाई शेयर जरूर से जरूर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। बाकी भाई आज चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।